नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे और साथ ही साथ जो जहाँ कहीं भी जुड़े हो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी उपस्थित हो सके। और फिर शुरू करते हैं करेंट अफेयर का धमाका और देखते हैं दिन भर की क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही है जहाँ से हमारे प्रश्न बन सकते हैं और बनने की संभावनाएं हैं। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी लोग कंफर्म करवा देंगे क्या ऑडियो और वीडियो दोनों ही बढ़िया हैं? ठीक है, दोनों क्लियर है ना? चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के माध्यम से कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो सवर जाता है। इसलिए किसी भी चीज को लेकर अगर आपकी अंतरात्मा हाँ बोल रही है, पूरी दुनिया ना बोल रही है, तो आप हाँ के साथ ही चलिए। और पूरी दुनिया कह रही है कि तुमसे हो जाएगा, लेकिन अंतरात्मा कह रही है कि तुमसे ना हो पाएगा, तो उसमें कभी भी पैर ना डालें, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी होगी। ठीक है ना? तो जहां कहीं भी लगे कि हाँ ये हमसे हो सकता है, दुनिया चाहे कोई भी कुछ भी कहे, उस पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए कहा गया है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो सवर जाता है। तो हमें सवरना है। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में बीसीसीआई ने निम्न में से किसे क्रिकेटर का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया है। रिसेंटली बीसीसीआई हैज ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर एज द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। चलिए बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और सभी साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करेंगे, बताएंगे कि बीसीसीआई ने निम्न में से किस क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया हुआ है। चलिए सभी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, है ना? चलिए, जब ए के साथ इतना बहुमत है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं, मैं भी ऑप्शन ए के साथ ही जाऊंगा। और सही उत्तर है आपका शुभमन गिल। देखिएगा, बीसीसीआई जैसे हमारी आईसीसी के द्वारा भी रैंकिंग जारी किया जाता है, वैसे ही बीसीसीआई भी यहां पर 4 वर्षों के पश्चात ये रैंक यहां पर जारी की हुई है। ठीक है ना? आइए पूरी कहानी यहां पर देखते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, जिसे शॉर्ट में हम बीसीसीआई कहते हैं, इसने 4 सीजन के अंतराल पर भारतीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई के पुरस्कार समारोह का आयोजन किया और ये आयोजन 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में किया गया है। यहां देखें तो विभिन्न कैटेगरी में विभिन्न क्रिकेटरों को, क्रिकेट से जुड़े हुए व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, लेकिन लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं उसको लेकर नहीं आया। ठीक है ना? लिस्ट एक बार अपने स्तर पर देख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है? अब इसमें देखा जाए, जो यहां पर हमने हैदराबाद में आयोजन किया था इस पुरस्कार समारोह का, इसमें शुभमन गिल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार और
और वही दीप्ति शर्मा को भी। तो दीप्ति शर्मा जो है महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वहीं शुभमन गिल को पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर चार सीजन के लिए, एक दो वर्षों के लिए नहीं, लगातार चार सीजन के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में जिन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किए हैं उन सभी को यहां पर पुरस्कृत किया गया है, इसलिए इसकी लिस्टिंग बहुत बड़ी थी जिसको मैंने यहां पर शामिल नहीं किया है। अब देखिएगा यहां पर आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री जी को दिया गया है, तो ये दो चीजें भी आप लोग अवश्य ही याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखेंगे कि शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा जो हैं इनको सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है जो हैदराबाद में आयोजन किया गया था। ठीक है, अब आइए आईसीसी के द्वारा भी रैंक जारी किया गया है, आइए इसमें देखते हैं क्या सही उत्तर होगा। तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? विच प्लेयर हैज रिसेंटली ओन द आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? और ऑप्शन आप सभी के समक्ष है, डेविड वार्नर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या फिर ग्लेन मैक्सवेल। चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठंडी जो है अपने चरम सीमा की ओर है, बच बचा के रहना है। जितना ज्यादा स्वस्थ रहोगे उतना ही ज्यादा पढ़ाई करोगे, इसलिए पहली प्रायोरिटी स्वस्थता पूर्ण रहना। चलिए यहां पर सब लोग सी के साथ जा रहे, सूर्य कुमार यादव, और बहुमत के साथ मैं भी जाना चाहूंगा। अब ठंडी में बहुमत से अलग कैसे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य कुमार यादव जो है बिल्कुल सही उत्तर है, आईसीसी के द्वारा मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये हमारे बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज कौन है, सूर्य कुमार यादव, इनको दिया गया है। और ये लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने गए हैं। इस वर्ष भी देखा जाए तो इनके द्वारा टी20 इंटरनेशनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जैसे कि अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, ठीक है ना। और इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी टी20 इंटरनेशनल आईसीसी के द्वारा यहां पर चुना गया है इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखेगा आप सभी लोग सूर्य कुमार यादव, और बीसीसीआई की बात आए तो शुभमन गिल याद रखना है, दोनों नाम याद रखना है, शुभमन गिल बीसीसीआई के संदर्भ में और आईसीसी के संदर्भ में सूर्य कुमार यादव। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? रिसेंटली इट हैज बीन अनाउंस्ड टू ऑनर कर्पूरी ठाकुर विद भारत रत्न। व्हेन वाज भारत रत्न एस्टैब्लिश्ड? और ऑप्शन है आपका 1947, 1950, 1952 या फिर 1954। चूंकि बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दो दो बार, इन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है, मरणोपरांत जब होता है तो उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के किसी सदस्य को यह सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए सभी लोग 1952 के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना, सभी लोग जो है 1952 के साथ जा रहे हैं। एक संगीता कर्ण जो है ये केवल 1954 के साथ जा रही है, श्वेता कुमारी भी 1954, बाकी सभी 1952। तो मैं बताना चाहूंगा कितनी ठंडी में सुबह सुबह 1952 वाले अपनी भैंसिया को पानी में डुबो चुके हैं, बचा के रखना है उसको, नहीं तो दूध हो देगी नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। सही उत्तर है आपका 1954, ठीक है ना। 1954 में भारत रत्न को स्थापित किया गया था और ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। तो भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी, और ये भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। अब बात करिए किसको दिया जाता है, तो इसको देने के लिए हम जाति पाति, व्यवसाय, लिंग, इन सब का भेद त्यागते हैं, ठीक है। यानी कि बिना जात पात, बिना लिंग भेद, बिना व्यवसाय के यहां पर
हम इसको समर्पित करते हैं जिनके द्वारा देश के लिए कुछ बेहतर कार्य किया गया हो। यानी कि ये पुरस्कार जो है ये मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति असाधारण सेवा दिया हो, असाधारण प्रदर्शन किया हो, तो उसी को मान्यता देने के लिए हम भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विजेताओं को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। अब एक बार ये प्रश्न पूछा जाए आप सभी से कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, इससे ज्यादा व्यक्तियों को नहीं सम्मानित किया जाता है। और चूंकि ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसलिए यहां नामों की सिफारिश जो है वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई टीम बैठाया गया या वोटिंग करवाई गई कि भैया आप लोग वोटिंग करिए, यहाँ पर नामों की सिफारिश करिएगा किन्हें हमें भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। नहीं, ये जो अवार्ड है इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति के पास जाते हैं सिफारिश लेकर कि ये व्यक्ति जो है इनकी अनुपलब्धियां ये रही है और इन्हें इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी अन्य प्रकार की औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता यहां पर नहीं होती क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा सीधे इसकी सिफारिश की जाती है। बात करें 2014 में, तो आप सभी को पता होगा कि इससे पहले खेल को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 2013 में खेल को इसमें शामिल करते हुए 2014 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, बात करें अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो आजादी से लेकर अब तक वर्ष 1954 से लेकर अब तक 49 लोगों को इस भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अभी 2024 का जो ये अनाउंसमेंट हो रहा है, इससे पहले 2019 में आखिरी बार जो लोक कार्य है, लोक कार्य के लिए देश के जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2019 में इनके साथ साथ दो अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया था, जिसमें एक नानाजी देशमुख थे और कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अभी जो अभी सम्मान दिया जाएगा 26 जनवरी को, इससे पहले 2019 में 3 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखेंगे यह है हमारा भारत रत्न, जिसकी स्थापना 1954 में की गई, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और बात करें कि इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें बस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती, लेकिन सम्मान सबसे बड़ा होता है। अगर कहीं पर भी वरीयता की बात करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के जो अध्यक्ष और सभापति है, इनके पश्चात है ना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनके पश्चात अगर वरीयता क्रम में देखें, तो अगली वरीयता भारत रत्न व्यक्ति को दिया जाता है। जो व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता है उसको रेलवे में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाती है जिनको भारत रत्न प्राप्त होता है। अब बात करें भारत के अलावा पाकिस्तानी कोई व्यक्ति है जिसे हमने भारत रत्न दिया है, बिल्कुल एकलौते व्यक्ति यहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति हैं, है ना, और पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा ही वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। और इनके अलावा विदेशियों की बात करें तो मदर टेरेसा के साथ साथ नेल्सन मंडेला को भी हमने भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ है। तो ये डेटा में भी अवश्य शामिल कीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? Who has recently been sworn in as a regional director of the Southeast Asia region of the World Health Organization? और ऑप्शन है आपका साइमा वजीद, शंभु प्रसाद आचार्य, पूनम क्षेत्रपाल या फिर अजय बंगा। चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बाकी अन्य जो नागरिक सम्मान है ये गणतंत्र दिवस पर ही दिया जाता है। ठीक है, तो अपडेटेशन जो भी होगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा 26 जनवरी को ही।
ठीक है ना। चलिए यहां पर बहुमत सही होना चाहिए ना, क्योंकि इसके बारे में हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है। कई लोग यहां पर ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। देखिएगा, हमने पढ़ा था ना, पूनम खेत्रपाल जो भारत की हैं, अभी वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो क्षेत्रीय संगठन है WHO का, इसकी क्षेत्रीय निदेशक हैं ये। कौन? पूनम खेत्रपाल। लेकिन हमने देखा था कि वही नवंबर दिसंबर के महीने में नई दिल्ली में जो क्षेत्रीय कार्यालय है WHO की, वहां पर इलेक्शंस करवाए गए थे कि अगला यहां पर क्षेत्रीय निदेशक कौन बनेगा, और इसमें शंभू प्रसाद आचार्य जो नेपाल के हैं, इनको पराजित करते हुए, 6 वोटों से पराजित करते हुए बांग्लादेश की साइमा वाजेद जो है ये यहां पर विजयी हुई थी। और जब विजयी ये हो गई थी तो शपथ भी तो यही लेंगी ना, ये साइमा वाजेद कोई और नहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है उनकी पुत्री। और ये WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक रूप में शपथ ले चुकी है। तो वर्तमान में अभी भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह है, और अगली जो यहां पर बनने वाली हैं वो साइमा वाजेद बनने वाली हैं, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है साइमा वाजेद, शेख हसीना की पुत्री हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो 23 जनवरी को इन्होंने शपथ ले ली है, और ऐसी जानकारी जो है WHO के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है ना। बांग्लादेश की जो साइमा वाजेद, 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें चुनाव हुआ था और इसमें इन्होंने विजय भी प्राप्त की हुई थी। नेपाल की शंभू प्रसाद आचार्य जो, इनको 6 वोटों से पराजित इन्होंने किया हुआ था। भारत ने भी अपना वोट जो है वो किसको दिया था? साइमा वाजेद को दिया हुआ था, इसलिए नेपाल थोड़ा सा तड़बड़ाया भी था, ठीक है, क्लियर। वर्तमान में WHO की दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय एशिया क्षेत्र जो है, इसकी क्षेत्रीय निदेशक भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह है, याद रखेंगे। और 1 फरवरी 2024 से अब ये कार्यभार जो है साइमा वाजेद के द्वारा संभाला जाएगा, ठीक है। तो 1 फरवरी 2024 से साइमा वाजेद, और तब तक यानी कि 31 जनवरी तक हमारी पूनम खेत्रपाल सिंह जो हमारे भारत से संबंधित हैं, ये यहां पर कार्यभार संभालने वाली है। अब बात करें WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो सभी लोगों को पता होगा इसकी स्थापना 1948 में किया गया था, और 7 अप्रैल 1948 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट भी करते हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसके मुख्यालय है, और इसके महानिदेशक जो है वो है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयस, ये इसके वर्तमान में महानिदेशक है। बात करें सदस्य देशों की, तो वर्तमान में 194 देश जो हैं ये WHO के सदस्य देश हैं। लगभग 150 देशों में इसके कार्यालय हैं, लेकिन 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके पूरे विश्व में हैं। और ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होने के साथ साथ 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। एक है हरारे, अफ्रीका हरारे में, दूसरा यूरोप के कोपेनहेगन में, तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि नई दिल्ली में। तो अफ्रीका, जो अफ्रीका का क्षेत्रीय कार्यालय हरारे में हो गया, यूरोप का क्षेत्रीय कार्यालय कोपेनहेगन में हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय अपने राजधानी नई दिल्ली में है ना, अमेरिका का वाशिंगटन DC में है, पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र का कायरो में है, और वही पश्चिम पैसिफिक क्षेत्र जो है इसकी जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये मनीला में स्थापित की गई है। तो ये डेटा भी शामिल कीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? और ऑप्शन है आपका 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी को। बताएंगे सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट से आने वाले महान लोगों के लिए थोड़ा सा तालियां होना चाहिए ना, क्योंकि बार बार कहते हैं कि भैया कंपटीशन बड़ी तगड़ी है और इस कंपटीशन में आगे रहना है, तो सबसे पहले
हमें पढ़ाई करनी है, उनसे ज्यादा पढ़ाई करनी है। चलिए 24 के साथ सभी लोग जा रहे हैं, है ना, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 24 जनवरी के साथ जितने लोग हैं बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम 24 जनवरी को मनाते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइए इसकी हम कहानी देखें। तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो थी, इसने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया हुआ था। अब यहां पर बात आई कि शांति के लिए शिक्षा कहां से। अपने अगल बगल में एग्जाम्पल्स आप सभी ने देखा होगा कि जिस घर में पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़ाई के साथ साथ समझ भी विकसित होती है, समझदारी भी बढ़ती है, और समझदारी ज्यादा होगी तो वहां पर लड़ाई झगड़े कम होंगे, ठीक है। और जहां पर जिस घर में शिक्षित लोग कम होंगे, समझदारी भी कम होगी, परिणामतः अशांति वहां पर देखने को मिलेगा। अशिक्षित लोग विकास भी उस स्पीड से, उस स्तर पर नहीं कर पाएंगे जितने शिक्षित लोग कर पाएंगे। तो जीवन में बेहतरी के लिए शिक्षा अनिवार्य है, और इसी चीज को चिन्हित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब बात करें कि थीम की, तो हर वर्ष इसको जो हम सेलिब्रेट करते हैं एक निश्चित थीम के आधार पर करते हैं, और इस वर्ष के लिए जो थीम रखा गया है वो रखा गया है अस्थाई शांति के लिए सीखना। यानी कि हमें जो सीखना है शांति का अस्थायित्व के लिए हमें सीखना है, और ये इस वर्ष की यहाँ पर थीम है। और इस थीम के मुख्य उद्देश्य क्या है कि शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना है, ठीक। अब बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने की शुरुआत 2019 से की गई थी। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, और इसमें यह बातें कही गई कि अब से 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे, हमने ऐसा निर्णय लिया हुआ है। इसके बाद इस पर वोटिंग करवाई गई, लगभग 59 देशों ने इस पर अपना समर्थन व्यतीत किया, है ना, समर्थन अपना दर्शाया इस पर, और इससे ये प्रस्ताव यहां पर पारित हुआ। और तब से लगातार हर वर्ष हम 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते रहे, और 2024 में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये इसका छठवां संस्करण है। तो ये हम छठवां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं। लेकिन मन में अब एक प्रश्न आना चाहिए कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इनके जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को हम मनाते हैं, और इसको मनाने की शुरुआत जो हुई थी 2008 से हुई थी। पहली बार हमने 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने सेलिब्रेट किया हुआ था। आप सभी को पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इन्हीं के जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, When is National Girl Child Day celebrated every year? 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, या फिर 26 जनवरी को? राष्ट्रीय बालिका दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ सेशन है ना, साथ ही साथ सेशन जो है वो सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य ही करेंगे। शिक्षक दिवस की नहीं, हमने शिक्षा दिवस की हमने बात की थी। धन्य है आप सभी लोग, शिक्षा और शिक्षक में अंतर नहीं है, जो शिक्षा देने का कार्य करते उनको शिक्षक कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमने शिक्षा दिवस की बात की, ना कि शिक्षक दिवस की। शिक्षक शिक्षा बड़ा अंतर है इसमें, एक कर्ता है तो दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, पता है ना सबको।
चलिए यहां पर भी 24 जनवरी ही होगा, सभी 24 जनवरी के साथ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम प्रतिवर्ष 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं 24 जनवरी को, बताएंगे सभी लोग। आखिर 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बताएंगे सभी लोग कि राष्ट्रीय बालिका दिवस आखिरकार हम 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं। चलिए सिन्हा जी ने कहा कि 2009 से स्टार्ट है, चलिए कोई आइडिया नहीं है, आइए आज के बाद आइडिया हो जाएगी, ठीक है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, सबसे पहले बात की हम मनाते क्यों हैं, तो भारतीय समाज में बालिकाओं के समक्ष आने वाली जो असमानताएं हैं, जो आपकी ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलता है, इन असमानताओं को दूर कर समानता के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। और मनाने का मूल कार्य यह है, चूंकि सबको लगता था, है ना, मन में तो यही है भ्रम कि लड़कियां क्या कर लेगी। वर्तमान में आप सबको पता ही है कि हमारी लड़कियां क्या नहीं कर रही है। फाइटर जेट जो हमने यहां पर राफेल विमान लिया है, जो अभी हाई टेक्नोलॉजी की 4.5G यानी कि जेनरेशन की है, उसको एक बिहार की लड़की शिवा चौहान क्या करती है, उड़ाती है। लड़कियां क्या नहीं कर लेती। और ये 24 जनवरी वो दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने शपथ लिया था, क्योंकि वो भी क्या थी, एक लड़की थी, एक महिला थी, और एक महिला देश का नेतृत्व करने वाली पहली बार इसी 24 जनवरी को बनी हुई थी। 24 जनवरी 1966 को इन्होंने प्रधानमंत्री के पद के रूप में इन्होंने शपथ लिया था, क्योंकि एक महिला देश का नेतृत्व करता इस दिन बनी, इसलिए 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये बताने के लिए कि देख लो भैया, लड़कियां किसी से कमजोर नहीं है। लड़कियों के पास तो वो क्षमताएं हैं जो लड़कों के पास, पुरुषों के पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रतिवर्ष 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, क्लियर। तो अब किसी को कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए महिलाएं कहां कम है, अगर महिलाओं की मैं लिस्टिंग करवाना स्टार्ट कर दूं तो फिर क्लास भी खत्म हो जाएगा, लिस्टिंग यहां पर समाप्त नहीं हो पाएगी। कौन से क्षेत्र ऐसा है जिसमें महिलाएं नहीं है, मंगल मिशन महिलाओं की देन, चंद्रमा पर रोवर चलाना महिलाएं, फाइटर जेट चलाना महिलाएं, अभी भारत की राष्ट्रपति महिला है, प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी है, बिहार की मुख्यमंत्री भी महिला रह चुकी है, तो महिलाओं का नेतृत्व कहां नहीं है। अगर एक परिवार की बात कर ले तो जितना योगदान परिवार को बढ़ाने में एक पुरुष का होता है, उससे कहीं ज्यादा एक महिला का होता है। अगर किसी बच्चे की परवरिश की बात कर ले, पिता से ज्यादा कुछ माता ही यहां पर सिखाती है, क्योंकि प्रथम गुरु जो होती है वो माता ही होती है, और माता भी एक महिला है। तो बिना महिला के संसार नहीं चल सकता, बिना महिला के जीवन नहीं चल सकता, इसलिए महिलाएं कभी किसी से कम है ही नहीं, ठीक है ना। यूपीएससी में टॉपर्स, बीपीएससी में टॉपर्स महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, ठीक है ना। और विज्ञान ने भी इस बात को माना है कि महिलाओं की जो IQ लेवल होती है वो पुरुषों से ज्यादा होती है, पहला विज्ञान ने प्रूव किया। दूसरा, महिलाओं को देखने की जो क्षमता है पुरुषों से ज्यादा है, दूसरा ये है ना, यानी कि अगर एक पुरुष 4 मिलियन कलर देखने में सक्षम है तो एक महिला 4.5 से 5 मिलियन रंगों को देख पाने में सक्षम है। इसी कारण से पुरुषों का पिंक केवल पिंक होता है, लेकिन महिलाओं का पिंक कई प्रकार के होता है, बेबी पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक, पता ना कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये साइंस ने भी माना हुआ है, तो हमें तो मान के ही यहां पर चलना है ना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी और किस देश की वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट विद द फ्रेंच एंड विच कंट्रीज एयरफोर्स। और ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान, ब्रिटेन या फिर संयुक्त अरब अमीरात। चलिए राहुल जी कहना है कि सर बिना पुरुष के भी संसार चल सकती है क्या? लग रहा है आपने मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास नहीं देखा है, देखे होते तो ये प्रश्न होता ही नहीं। जो अभी क्लोनिंग हम कर रहे हैं, 3D प्रिंटिंग जो हमने प्रारंभ की है, इसके माध्यम से भविष्य में बिना महिला या बिना पुरुष के ही संसार चलेगा। जैसे प्रजनन करने के लिए महिला पुरुष का साथ होना आवश्यक है, भविष्य में आवश्यक नहीं रहेगा। एक महिला भी अपने स्तर पर बच्चे को जन्म दे पाएगी और एक पुरुष भी अपने स्तर पर बच्चों को जन्म दे पाएंगे। तो प्रकृति के जो नियम है इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। और जब यही सारी बढ़ेगी तो कहा जाता है ना, दशावतार के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो हमारे विष्णु देव जी जो हैं वो 10वीं अवतार अपने लेकर आएंगे, कल्कि का अवतार, और अंततः जो हमारा कलयुग है कलयुग को समाप्त करेंगे और फिर से हमारा नया युग जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। तो धीरे धीरे हम तो यहाँ पर सारा काम ऐसा कर ही रहे हैं जो अंततः विनाश की ओर लेकर जा रही है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए खतरनाक भी है। प्रकृति को ही हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसका सही उत्तर क्या था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चलिए डी के साथ सभी लोग जाए है ना, सभी लोगों ने डी को ऑप्शन यहां पर चुना हुआ है और डी जो है ना, डी जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक। और डी क्या है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में डेजर्ट नाइट जो हमारा वायुसेना, यानी कि देखा जाए तो वायुसेना का अभ्यास है, ये भारत, फ्रांस और यूएई की वायुसेना तीनों साथ मिलकर आयोजित की हुई है, ठीक है ना। कहां पर, तो हमने अरब सागर में इसका आयोजन किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना की तरफ से देखें तो इसमें हमारा सुखोई 30 को शामिल किया गया है ना, उसके बाद मिग 29 को हमने शामिल किया, इसके साथ साथ हमारा जगुआर, AWACS C-130J और साथ ही साथ एयर टू एयर रिफ्यूल विमान हमने यहां पर सम्मिलित किया हुआ था। वही हम बात करें फ्रांसीसी वायुसेना की, तो फ्रांस की ओर से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को यहां पर शामिल किया गया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी वायुसेना ने F-16 को मैदान में उतारा हुआ था और इन सभी विमानों के माध्यम से हमने जो अरब सागर है, अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट जो हमारा वायुसैनिक अभ्यास है इसको हमने संपादित किया हुआ है। अब बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, हर कार्य का एक अपना उद्देश्य होता है। तो इस अभ्यास की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तीनों वायु सेनाओं के बीच तालमेल को बैठाया गया, साथ ही साथ अंतर संचालियता जो है वो कैसे बढ़ाया जाए इस पर यहां पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये हमारा वायु सेना के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। एक है डेजर्ट नाइट जो हम फ्रांस और यूएई के वायु सेना के साथ संपादित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य कई सारे देश हैं जिसके साथ हमारी वायुसेना अपना अपना अभ्यास करती है। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारतीय वायुसेना टेबल टॉप नामक एक्सरसाइज का संपादन करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज हो गया,
इसराइल के साथ हम जो वायु सैनिक अभ्यास करते हैं उसे एक्स ब्लू फ्लैग नाम देते हैं। ओमान के साथ एक्सरसाइज पूर्वी पुल इस नाम से हम वायु सैनिक अभ्यास करते हैं। रूस के साथ एक्सरसाइज इंद्रा जो है ये हम संपादित करते हैं। सिंगापुर के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, थाईलैंड के साथ एक्स सियाम भारत, और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट ईगल नामक वायु सैनिक अभ्यास होता है। यूनाइटेड किंगडम के साथ हम इंद्रधनुष नामक वायु सैनिक अभ्यास का आयोजन करते हैं। तो ये अन्य देशों के साथ की जाने वाली वायु सैनिक अभ्यासों की लिस्टिंग है, इसको भी अपने लिस्ट में अवश्य ही शामिल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, आगे आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? Who has directed the documentary film To Kill a Tiger, recently nominated for Oscar 2024? और ऑप्शन है आपका क्रिस्टोफर नोलन, निशा पाहुजा, डेविड ओपेनहेम या फिर एंडी कोहेन। चलिए बताइएगा। ऑस्कर 2024 की बात हो रही है, 2023 में हमने देखा ही है कि दो हमारे ऑस्कर भारत को मिले हुए हैं, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स को, है ना, और दूसरा जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ट्रिपल आर मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला हुआ था। तो दो ऑस्कर हमारा 2023 में आ चुका है। अब 2024 के लिए टू किल अ टाइगर नामक डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है इसको नॉमिनेट किया गया है और पूछा गया कि इसके निर्देशन किसके द्वारा किया गया है। चलिए सभी लोग क्रिस्टोफर नोलन के साथ जा रहे हैं जो कि यहां पर गलत उत्तर है। श्वेता कुमारी ने निशा पहुजा को उत्तर दिया हुआ है ना। ऑप्शन बी जो है, बी की बात करें, सिन्हा जी ने भी ऑप्शन बी को दिया हुआ है और बी वाले यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। निशा पहुजा जो है, निशा पहुजा के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया है जिसका नाम है टू किल अ टाइगर, ठीक। अगर इस मूवी की बात करें तो एक झारखंड की जो छोटी बच्ची है ना, नाबालिग लड़की है, इसके संघर्षों को, इसके पिता के संघर्षों को जस्टिस के लिए जो संघर्ष किए गए हैं उसको लेकर यह मूवी यहां पर बनाई गई है, टू किल अ टाइगर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि अब की बार 96वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए देखा जाए तो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर, इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और यह फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है, उसके और उसके पिता के द्वारा जस्टिस के लिए, न्याय के लिए किए गए संघर्षों को यहां पर दर्शाया गया है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा जो है इनके द्वारा किया गया है और ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा जो है ये इसी वर्ष 10 मार्च को की जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लें 2023 वाले में तो दो ऑस्कर भारत के नाम, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में, है ना, कौन सा, तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में देखा जाए तो हमारा कौन सा, द एलिफेंट विस्पर्स, इस मूवी को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। और दूसरा जो है ये ट्रिपल आर मूवीज, इसमें जो नाटू नाटू सॉन्ग रहा है, नाटू नाटू सॉन्ग, इसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड यहां पर मिला हुआ है। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है और इसकी घोषणा जो है ये 10 मार्च को कर दी जाएगी, ठीक। बड़ा आजकल बड़ा चल रहा है मोए मोए, देखना कहीं जीवन के साथ मोए मोए ना हो जाए। इसलिए बढ़िया से हमें पढ़ाई करनी है, बढ़िया से चीजों को समझनी है ताकि जीवन के साथ मोए मोए ना हो जाए, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। अगला प्रश्न कि किस राज्य के पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने अयोध्या के राम मंदिर को एक धनुष जिससे ओना विल्लू कहा जा रहा है इसने इसे भेंट किया हुआ है। पद्मना स्वामी टेम्पल ऑफ विच स्टेट हैज गिफ्टेड अ बो ओना विल्लू टू द राम टेम्पल इन अयोध्या। 22 जनवरी को रामलला की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसमें एक धनुष जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के द्वारा इसे यहां पर गिफ्ट किया गया है। और ये मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा।
हाँ ट्रेंडिंग में अगल बगल में बच्चों सब खेलते हैं ना, ये भी मोए 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 चिल्लाते रहते हैं। मुझे तो कुछ दिनों तक पता ही नहीं था मोए मोए है क्या, फिर मेरे पास भी एक रील्स किसी ने भेजा मोए मोए वाला, तब समझ में आया कि आखिरकार ये है क्या। तो दुनिया जो है रील्स पर ही चल रही है। रील्स बड़ा खतरनाक है, नशे के जैसा है भले ही छोटा, 30 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन 59 सेकेंड तक हो सकती है, लेकिन इस 1 मिनट के वीडियो में अभी के युवाओं का सबसे ज्यादा समय लग रहा है। एक बार खोल दिए, चूंकि एक वीडियो समाप्त होने में टाइम नहीं लग रहा, 1 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट हो गई और फटाफट स्लाइड जो है ऊपर बढ़ते जा रहा है, और कब घंटों निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा। तो ये अभी देखा जाए तो जो आपके रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ये सबसे ज्यादा टाइम किलिंग जो कहते हैं ना वेपन, उस वेपन के रूप में उभर के सामने आया। इसलिए कहूंगा इससे थोड़ा सा आप लोग बच के ही रहे, जब तक एक सही जगह पर आप लोग स्थापित ना हो जाए तब तक इन सभी शॉर्ट्स वीडियो से दूर ही रहे, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल, ठीक है ना। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, इसके द्वारा राम लल्ला के लिए एक धनुष को वेट किया गया है, और इस धनुष को ओना विल्लू कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो देखिएगा, एक महोगरा और दूसरा कदम का पेड़, आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में एक चैप्टर था, यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। वही कदम का पेड़ और मोगरा जो है ना पेड़, इनके लकड़ियों से इसका निर्माण किया गया है, और इसी को क्या कहा जाता है, ओना विल्लू कहा जाता है, जिस पर रामचरितमानस से देखे तो विभिन्न प्रकार के जो कहते हैं ना पिक्चर के माध्यम से इसका डेकोरेशन किया गया है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको बनाने में लगभग 41 दिन का समय लगता है, जिसमें पीले कदम का पेड़ और साथ ही साथ महोगनी की लकड़ी का प्रयोग करते हुए इस धनुष का निर्माण किया जाता है, फिर दोनों तरफ पीले रंग से रंगा जाता है, और फिर भगवान विष्णु और उनके अवतारों से जुड़े हुए जो चित्र हैं, उन चित्रों के माध्यम से इसको डेकोरेट किया जाता है। इसी को कहा जाता है ओनाविल्लू, जो एक प्रकार का क्या है, धनुष है, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के द्वारा इसे जो यहाँ पर अभिषेक था है ना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उससे पहले 18 जनवरी को इसे भेंट भी किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये केरल के मंदिर है ना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो याद रखेंगे, ये आपके केरल राज्य में स्थित है, ठीक। बढ़िया, आगे अगला प्रश्न कि बिहार के बाद किस राज्य ने 19 जनवरी 2024 से जाति गणना की शुरुआत की है। आफ्टर बिहार विच स्टेट हैज स्टार्टेड कास्ट सेंसस फ्रॉम जनवरी 19, 2024। और ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ओना बिल्लू है ना, जैसे है जैसे बिल्ली को दिल्ली में बिल्ली कहते, बिहार में बिलाई कह लेते, तो एक ही वस्तु को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत विविधताओं का शहर है, ठीक है। चलिए सभी आंध्र प्रदेश के साथ आ रहे हैं, और आंध्र प्रदेश जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। हाल ही में बिहार के द्वारा जातिगत आधारित जन यहां पर गणना करवाई गई, और इसके पश्चात, और ये गणना जो हुई पटना हाई कोर्ट तक मुद्दा गया, कोर्ट ने उस पर कुछ समय के लिए रोक भी लगाया, और अंततः यहां पर आंकड़े प्रकाशित किए गए। जो बिहार सरकार यहां पर आंकड़े प्रस्तुत की, या फिर हम ऐसे कहें कि जो जनगणना करवाई गई, करवाने का मूल उद्देश्य क्या था भैया, अंग्रेजों ने जिस आधार पर जातिगत गणना करवाई, 1931 में आखिरी करवाई गई थी, 41 में भी जातिगत गणना करवाई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे, और अंग्रेजों का मूल ध्येय यह था कि जातिगत गणना करवा के उस आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना, ताकि भारतीयों को हम अलग थलग यहां पर रख सके, ठीक है ना। किस क्षेत्र में कौन सी नीति अपनानी है वो हम यहां पर जान सके, और यही बातें यहां पर भी कही गई विपक्षियों के द्वारा, जबकि पक्ष की जो पार्टी है, नीतीश सरकार की पार्टी है, उसने कहा कि ये गणना करवाने का मूल उद्देश्य है कि किस जाति के लोग किस क्षेत्र में कितने हैं, साथ ही साथ किस जाति को किस वस्तु की किस सुविधा की आवश्यकता है, कहां पर किस स्तर की विकास हुई है और नहीं हुई है, यानी सरकार की जो योजनाएं हैं
इन योजनाओं का सही तरीके से लाभ तभी मिल पाएगा जब हमें क्षेत्र वार जातिगत गणना जो है वो हम यहां पर करवाएं, और वो हमने यहां पर करवाया हुआ है। जबकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये मुद्दा रखा गया कि ये चुनावी प्रक्रिया में वोटिंग को अपने तरफ लाने के लिए ये प्रक्रिया यहां पर की गई है। सरकार का भी पक्ष सही है और विपक्ष का भी पक्ष सही है, क्योंकि हर एक कार्य को दोनों ही दृष्टि से देखनी चाहिए। एक पक्ष के दृष्टिकोण से कि अगर जातिगत गणना करवाई जा रही है तो इसके क्या क्या लाभ हैं, और लाभ में ये सारी चीजें हैं कि टारगेटेड जो विकास हम कहते हैं ना, टारगेटेड डेवलपमेंट, इस संकल्पना को इसके माध्यम से संपादित किया जा सकता है। एकदम टारगेट के आधार पर जिस जाति को जैसी डेवलपमेंट की आवश्यकता है वैसा डेवलपमेंट हम उपलब्ध करवा सके। तो बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट के लिए जातिगत गणना आंकड़े बहुत अनिवार्य हैं, लेकिन इसका एक पक्ष यह भी हो जाता है कि जो चुनावी प्रक्रिया होगी उसमें बड़े स्तर पर इस डेटा का प्रयोग किया जाएगा। तो पक्ष विपक्ष दोनों में ही लेकर चलना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के द्वारा भी कास्ट सेंसस जो है ये शुरू कर दिया गया है। 19 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है, 10 दिनों तक ये चलने वाला है और 10 दिनों में ये जनगणना समाप्त तो हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य जो है ना, बिहार के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। इससे पहले भी कई राज्यों ने किया है, लेकिन डेटा को यहां पर पब्लिक नहीं किया गया। पब्लिक करने के संदर्भ में अपना बिहार है, उसके बाद अब यहां पर दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश बनने वाला है, जो ऐसी प्रक्रिया शुरुआत किया है और ये 15 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, इस सर्वेक्षण का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है कि लोगों की जाति आधारित जो डेटाबेस है वो तैयार करना और उसके माध्यम से वैसी जातियों का पता लगाना जिन्हें सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस सर्वेक्षण में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं इनके जाति का पता लगाया जाएगा। तो स्वयं सेवक जो होंगे वो घर घर पहुंचेंगे और जाति से जुड़ी हुई जानकारी जुटाएंगे, और अंततः फाइनलाइज ग्राम सचिवालय जो है उस प्रणाली के माध्यम से इस जानकारी को सत्यापित किया जाएगा, सही किया जाएगा और फिर इस डेटा को प्रकाशित किया जाएगा। तो बिहार के पश्चात ऐसा करने वाला अगला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी आंकड़े के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। बेस्ड ऑन द डेटा रिलीज्ड रिसेंटली बाय ब्लूमबर्ग विच हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ग्लोबली, और ऑप्शन है आपका अमेरिका का स्टॉक मार्केट, चीन का स्टॉक मार्केट, जापान का स्टॉक मार्केट या फिर भारत का स्टॉक मार्केट। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट शेयर बाजार जो है ये कौन बन चुका है। एन शर्मा जी, एफ कोई ऑप्शन नहीं है, है ना, डी ई एफ पर चले गए, डी तक ही ऑप्शन है। ठीक है ना, चले सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं और डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है ना। देखिए, अभी चौथे नंबर पर हांगकांग का स्टॉक मार्केट था और हांगकांग के स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ते हुए भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है ना। देखे तो लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर का स्टॉक मार्केट भारत का बन चुका है, जबकि हांगकांग की बात करें 4.2 ट्रिलियन जो अमेरिकी डॉलर है इतने का आपका था। इसको पीछे छोड़ते हुए भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। क्यों बना, आइए इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कई सारे लोग, आज देखिए इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या है अभी इस पर बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय शेयर बाजार जो है हांगकांग को पछाड़ते हुए पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यहां पर बन चुका है, और ब्लूमबर्ग जो इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और डेटा सेवाएं उपलब्ध करती है ना, ऐसा करने वाली एक कंपनी है, इसके द्वारा हाल ही में एक आंकड़े जारी किए गए हैं और इसमें भारतीय एक्सचेंजों की सूचीबद्ध शेयरों की पूंजीकरण यहां पर 43 खरब 30 अरब डॉलर यानी कि 4.33 ट्रिलियन डॉलर के पास होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है, बताया गया कि इतना हो चुका है। जबकि हांगकांग की बात करें तो ये लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है।
तो हमने इसको पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पर आ चुके हैं, सबसे बड़े स्तर पर। अब बात करें कि ये चौथे नंबर पर हम आए कैसे, तो देखिए पहले लोग शेयर मार्केट में इतना दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा जिनके पास भी फोन है वो चाहते हैं कि सबको पता है कि भैया एक जॉब करके अभी वर्तमान में हम पेट काट सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन कोई बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिसके माध्यम से हमारे पास सेविंग तगड़ा वाला हो, पैसे की कमाई बहुत ज्यादा हो। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा कार्यों को करना प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे विदेशों में देखें तो सैलरी तगड़ी तगड़ी मिलती है, जैसे एक शिक्षक की बात कर ले, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक है उनकी सैलरी जो होती है महीना में लाखों की होती है, सम्मान पूर्वक देखा जाता है। जबकि अगर हम भारत में देखें तो शिक्षकों की सैलरी क्या है, है ना, 25,000-30,000, जो नया नया बीपीएससी वाले हुए इनका 43,000 के आसपास आ रहा है इनके अकाउंट में, ठीक है। तो ये यहां पर सैलरी है। अब महंगाई इतना ज्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने का कमाता हो तो बस अच्छे से खा पी पाएगा, रह पाएगा, सेविंग उसके पास नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अन्य साधन भी चाहिए, और अन्य साधन के रूप में अब जो भी व्यक्ति हैं अपने 1,000 रुपए 2,000 रुपए अपनी सैलरी से निकालकर शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। अब इसमें देखा जाए तो कई सारी चीजें, जैसे निफ्टी 50 का नाम आप सबने सुना होगा, जैसे इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं जो शेयर मार्केट के तगड़े खिलाड़ी हैं और वैसे वैसे कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं जो अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डायरेक्टली खेलिए, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, नहीं तो उन लोगों के साथ खेलिए जो बैठे हुए मार्केट में आपसे कुछ फीस लेंगे और उसके माध्यम से आपके पैसे वैसे शेयर में लगाएंगे जहां से आपको प्रॉफिट जनरेट होते रहेगा। तो बड़े स्तर पर खुदरा निवेशक जो है ना, छोटे मोटे 1,000 रुपए 500 रुपए 2,000 रुपए 10,000 रुपए लगाने वाले, ऐसे बहुत सारे निवेशक यहां पर उभर के सामने आए हैं। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और इसको लेकर विदेशी जो लोग हैं, विदेशी संस्थान है, ये भी भारत के स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बना रही है। तो संस्थागत विदेशी निवेशक जो हैं वो भी निरंतर अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं, तो इससे भी ये बढ़ रहा है। सशक्त कॉर्पोरेट आय जो है, हमारा बिजनेस भी तगड़े स्तर पर चल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी तगड़े स्तर पर चल रहा है, और इसके आधार पर उनमें शेयर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हमारी मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में यहां पर संपन्न हो जाएंगे। ये सारे यहां पर कारण है जिस कारण से भारतीय शेयर बाजार में तेजी से वृद्धि हुआ है। जिनके पास भी पैसा, चूंकि इतना तेजी से कहीं का ग्रोथ नहीं हो रहा जितना तेजी से भारत में हो रहा है, तो जिनके पास भी कुछ पैसे हैं ना, जो भी पैसे हैं वो भारत के शेयर मार्केट में डालते जा रहे हैं और कमा भी रहे हैं। शेयर मार्केट के थोड़ा सा आप लोग हिस्ट्री खोल के देखेंगे ना, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक साल में 300% तक भी ग्रोथ की हुई है, 5 साल में 500-600% तक भी ग्रोथ की हुई है। तो इस कारण से अब लोग जो हैं इधर ज्यादा से ज्यादा यहां पर मुड़ रहे हैं, और इन सभी के कारण भारतीय शेयर बाजार आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। बात करें भारत से पहले तीन कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है अमेरिकी स्टॉक मार्केट, जिसकी कुल वैल्यू जो है ये लगभग 51 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दूसरे नंबर पर चीन का स्टॉक मार्केट, जिसकी वैल्यू लगभग 9.5-8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तीसरे नंबर पर जापान का स्टॉक मार्केट, जिसकी वैल्यू 6.36 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। और चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत तो हो चुका है, जिसकी वैल्यू 4.33 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है ना, क्लियर। और वहीं बात करें अगला पांचवा, तो पांचवा है हांगकांग, जिसका 4.23 ट्रिलियन डॉलर की यहां पर वैल्यू है, ठीक है। तो अपना प्यारा भारत जो है तेजी के साथ ग्रोथ यहां पर कर रहा है, और बहुत जल्दी हम विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। हाल ही में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, उस ब्रिटेन को जिसने भारत के सभी संसाधनों का दोहन कर लिया, और दोहन करने के साथ ही वो इतना बड़ा धनवान देश बना हुआ है। अन्यथा की स्थिति में अगर अंग्रेज भारत को नहीं लूटते तो जो स्थिति अभी अमेरिका की है ना, वो स्थिति अपने प्यारे भारत की होती, दुनिया की सर्वोच्च शक्ति जो होती वो अपना प्यारा भारत होता। तो आशा करता हूं सबको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
क्या हुआ, बातचीत यहां पर क्या चल रहा है? बातचीत नहीं, अतिरिक्त बातचीत होगा, सीधे ब्लॉक, आप सबको पता है ना। चलिए, तो आज की महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो थी उसको हमने यहां पर आप सभी के साथ साझा किया। आशा करता हूं सभी लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। लेकिन सेशन समाप्त करने से पहले कल वाले जितनी भी क्लास है उसका एक बार हम रिवीजन मार ले, ताकि खोपड़िया में जो धुंधलापन बना हुआ है धुंधलापन आपका समाप्त हो जाए। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है, ठीक है ना। अगला कि हाल ही में 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर की शुरुआत भारत और किस देश के मध्य की गई? तो खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित किया जाता है। अगला, एक वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया गया हम किया जाएगा ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। अगला कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यहां पर हम देखा था कर्पूरी ठाकुर जी पुरस्कार 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर था 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, इसको सम्मानित किया जाएगा। अगला, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता हुआ है? तो इसके संदर्भ में हमने देखा था ताई यू यिंग जो है इनके द्वारा इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल टाइटल जीता गया है। अगला कि हाल ही में अभ्यास चक्रवात की शुरुआत भारत और किस देश के मध्य की गई? तो चक्रवात जो है ये भारत और मिस्र की सेना के मध्य की जाती है। अगला कि निम्न में से किसने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो यहां पर हम देखा था मान सिंह जो है मान सिंह के द्वारा एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना जो है अपने प्यारे भारत के द्वारा किया गया है। हाल ही में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? और इसकी हमने बात की थी कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया गया है, मूल रूप से हॉर्नबिल के संरक्षण को लेकर ये आयोजन किया गया है। अगला कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर गांव चलो नामक अभियान को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में, और इसका उद्देश्य क्या है कि गांव-गांव जितने भी गांवों और शहरों में बूथ है उस बूथ पर पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है, ताकि अगले इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्राप्त की जा सके। तो कल के साथ साथ हमने आज वाले का भी रिवीजन कर लिया। आशा करता हूं सेशन सभी को अच्छा लगा होगा, और सेशन सभी को अच्छा लगा होगा तो सभी लोग सेशन को लाइक अवश्य ही करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बता दूं जो नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास आपकी एक है 3 बजे, और 3 बजे जो है वो हम बात करेंगे यहां पर इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी जो 69th बीपीएससी प्री जो हुआ है, इस प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। और 4 बजे की बात कर ले तो 4 बजे जो है वो हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के भी आज मैं एमसीक्यूज लेकर आने वाला, तो यहां पर भी एमसीक्यूज और यहां पर भी एमसीक्यूज होने वाली है, तो दोनों क्लास एमसीक्यूज वाली होगी। सभी लोग 3 और 4 बजे अवश्य ही शामिल होइएगा। फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा तो जाते जाते सभी लोग सेशन को लाइक करके अवश्य ही जाएंगे, साथ ही साथ जो जहां कहीं भी जुड़े हो है ना वो सभी एक बार सेशन को शेयर भी अवश्य ही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 3 बजे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।